हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो गाइस। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक के बारे में बहुत से लोग हैं जिन लोगों को पता नहीं है। आज मैं टॉपिक लाया हूँ ऐसी चार फाइल्स, जब हम कोई भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं जो कि जनरेट होती है चार फाइल्स, उसमें एक फाइल होती है हमारी डॉट सी के नाम से, एक फाइल होती है हमारी डॉट बी ए के नाम से, एक फाइल होती है हमारी डॉट ओ बी जे के नाम से, और एक फाइल होती है हमारी डॉट ई एक्स सी के नाम से। तो ये चारों फाइल कब बनती हैं, क्यों बनती हैं, इनका क्या यूज है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉट सी नाम की एक फाइल की। जब भी हम कोई प्रोग्राम सी के अंदर सेव करते हैं तो उसे हम लोग डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैसेज है और उसको हमने सेव किया मैसेज डॉट सी के नाम से, और उसके अंदर हमने छोटा सा एक कोड लिखा हुआ जिसमें हम लोगों ने ग्रीटिंग्स को हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर की हेलो टेक्नो गाइस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें देखिए डॉट सी जो फाइल क्या होती है, डॉट सी फाइल को हम लोग क्या हम लोग दोस्तों सोर्स कोड भी बोलते हैं। सोर्स कोड का मतलब ये है कि जो कोड हम लिखते हैं, जो कोड डेवलपर लिखता है, वो कोड सोर्स कोड कहलाता है, और उस कोड को सेव हम लोग करते हैं डॉट सी एक्सटेंशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे और सोर्स कोड लिखने का उसको सेव करेंगे, सेव करने का दोस्तों उसके साथ ही हमारे पास एक बी ए के फाइल भी साथ के साथ बन जाती है। क्यों बनती है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए डॉट बी ए के फाइल कब बनती है कि मान लो कि अब मेरा एक बार प्रोग्राम बन गया, अब प्रोग्राम बनने के बाद अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए, तो चेंजेस सबसे पहले अप्लाई होंगे हमारे डॉट सी नाम के जो मेरा जो सोर्स कोड वाली जो फाइल है उसके अंदर मैंने उसको चेंजेस मैंने किए। अब चेंजेस करने का जैसे ही मैं डॉट सी नाम की फाइल को सेव करूंगा तो सेव करते ही वो चेंजेस उसके बाद बी ए के फाइल में अप्लाई होंगे। बी ए के फाइल फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखी जाती है, आगे हम लोग कहीं पर अगर काम में लेना हो तो, ठीक है दोस्तों। कंपाइलर अपने आप क्रिएट करता है एक बी ए के फाइल भी, ठीक है। अब चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डॉट ओ बी जी और डॉट ई एक्स सी कब और क्यों बनती है, इसको हम लोग समझेंगे एक स्ट्रक्चर के द्वारा। ये देखिए दोस्तों कि मान लो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने सी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश के अंदर कोड लिखा, ठीक है, और उस कोड को सेव किया डॉट सी एक्सटेंशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। डॉट सी फाइल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डॉट सी एक्सटेंशन के द्वारा उसने उसको सेव किया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सोर्स कोड भी बोलते हैं। अब सेव करने का जैसे ही हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश की, तो अगर हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एक भी एरर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो कंपाइलर है, कंपाइलर यानी ट्रांसलेटर, हम सी लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर काम में लेते हैं वो कंपाइलर ट्रांसलेटर काम में लेते हैं, इंटरप्रेटर हम लोग काम में नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइलर हमारा जो सी लैंग्वेज का कोड या जो डॉट सी फाइल वाला जो कोड है उस फाइल को सारे को उठाएगा और उठा के उसको ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्टिव कोड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव कोड इज ए सीपीयू अंडरस्टैंडेबल कोड, यानी कि इस कोड को अब सीपीयू आसानी से समझ सकता है। और सीपीयू कौन से कोड को समझता है, आप सब जानते हैं, बाइनरी कोड को समझता है। तो इसको हम लोग इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंपाइलर क्या करेगा कि सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद कन्वर्ट करेगा उसको ऑब्जेक्टिव कोड के अंदर, और वो ऑब्जेक्टिव कोड ही बाइनरी कोड है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब ये ऑब्जेक्टिव कोड बन गया। अब ऑब्जेक्टिव कोड बनने के बाद क्या होगा कि इस ऑब्जेक्टिव कोड को जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तो रन करने के लिए क्या होगा कि आपको उसको लिंकर के पास भेजना पड़ेगा। देखो लिंकर क्या होता है दोस्तों, लोडर और लिंकर मैं आपको बताता हूं कि जब हमारा सी का जो प्रोग्राम है, सी के प्रोग्राम को जब हम ट्रांसलेशन के लिए भेजते हैं कंपाइलर के पास, तो ये जो प्रोसेस है ये वाली प्रोसेस कहलाती है हमारी लोडिंग प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि सोर्स कोड को भेजा जाएगा कंपाइलर के पास कंपाइल होने के लिए, और अगर हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है तो उसको भेजा वो हमारा जो सोर्स कोड है सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव कोड के अंदर, तो ये लोडर के थ्रू होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें हमारे प्रोग्राम को रन करवाना है तो रन करवाने के लिए उसको हमें भेज दिया जाता है लिंकिंग के लिए या लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव कोड को उठाएगा और ऑब्जेक्टिव कोड को उठाने के बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा, और किस फॉर्म में भेजेगा उसको डॉट ई एक्स सी फॉर्म में, यानी कि जो प्रोग्राम आपने बनाया वो लिंकर के बाद ऑब्जेक्टिव से डॉट ई एक्स सी डॉट ओ बी जी से डॉट ई एक्स सी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिंकर के द्वारा
हम डॉट ओबीजे फाइल को डॉट exe फाइल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखिए यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और हम लोग उसको नई फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया कि क्रिएटिंग सोर्स कोड, हमने सबसे पहले सोर्स कोड को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया कि सोर्स कोड फाइल को कंपाइल किया। जैसे हम लोग डॉट सी फाइल को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद वो जो हमारा कोड है, ठीक है दोस्तों, हम लोग यहां देखते हैं। देखिए एक मिनट, मैं एक पेन ले लेता हूं। ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले सोर्स कोड को क्रिएट किया। सोर्स कोड को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसको यहां पर कंपाइल किया सोर्स कोड को। सोर्स कोड को जैसे हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हम जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट जो कोड बना, ऑब्जेक्ट कोड को बनाने का जैसे हमने उसको लिंकिंग ऑब्जेक्ट कोड के अंदर डाला, यानी लिंकर के थ्रू लिंकर में हमने उसको डाला, तो लिंकर में डालते ही वो जो हमारा कोड है, वो कोड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कोड हो गया, डॉट exe फाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग ये हमने पढ़ा, अब इनको हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे जाना है सी ड्राइव के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं जाऊंगा सी ड्राइव के अंदर। ये देखिए दोस्तों, सी ड्राइव में क्या, यहां पर हमने क्या किया कि टर्बो सी थ्री को खोला। टर्बो सी थ्री को खोलने के बाद यहां देखिए, सबसे पहले हम सोर्स पे जाते हैं। मैं अब अपने प्रोग्राम को मैसेज के नाम से सेव करना चाहूंगा, मैसेज डॉट, तो यहाँ देखिए मैसेज के नाम से कोई भी हमारे पास फाइल नहीं है। अगर होगी तो हम डिलीट कर देंगे, बाकी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम बिन में जाएंगे, और बिन में जाने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी मैसेज के नाम से कहीं कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस को खोलूंगा। टर्बो सी प्लस प्लस को खोलने के बाद अब मैं जाऊंगा अपने टर्बो सी प्लस प्लस के एडिटर के ऊपर, और वहां जाके अपने कोड को लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं यहां जाकर न्यू फाइल लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main function printf hello। ठीक है दोस्तों, ये प्रोग्राम है हमारा सिंपल प्रोग्राम जिसमें मैसेज हम लोगों ने करवाया है। आप फ्रेंड्स इस कोड को देख के थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आता तो आप टेंशन ना लें, मैं आपको सब चीज आगे सिखाऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी लाइन क्या काम आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रोग्राम को अगर मुझे सेव करना है तो इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल में जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फाइल में जाने के बाद सेव के ऑप्शन पे जाऊंगा और इस प्रोग्राम को मैं नाम दे दूंगा meesage message डॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पर नो नेम दिखा रहा है, देखिए नो नेम डॉट cpp दिखा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर ओके करूंगा, ओके करते मैसेज डॉट सी के नाम से मेरे पास एक फाइल बन जाएगी। इस प्रोग्राम को मैसेज डॉट सी के नाम से मैं सेव कर दूंगा, और यहाँ पर भी जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक मैसेज डॉट सी के नाम से एक फाइल बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, मैसेज डॉट सी के नाम से फाइल बन चुकी है। अगर मैं इसको खोल के देखना चाहूँ तो उसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद पे जाऊंगा, और ओपन विद पे जाने के बाद इसको सिंपली मैं नोट पैड के ऊपर भी खोल के देख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए नोट पैड पे जब इसको खोलूंगा, ओके करूंगा, तो जो कोड मैंने वहां लिखा है वो कोड मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मुझे क्या करना है कि मैं वापस यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाकर इस प्रोग्राम को वापस से सेव करूंगा। ठीक है, फाइल पे गया, फाइल पे जाके मैंने इसको वापस से सेव किया। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव करते देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज डॉट बीएके के नाम से एक फाइल ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे नहीं बनेगी, सेकंड टाइम पे जैसे ही मैं उस प्रोग्राम को सेव करूंगा तो मेरे पास बीएके फाइल बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए अब मैं क्या करूंगा कि वापस से जाऊंगा टर्बो के पास, सोर्स के पास जाऊंगा, और सोर्स में जाने के बाद यहाँ देखूंगा, यहाँ मेरे पास कोई भी फाइल नहीं बनी है मैसेज के नाम से। देखिए दोस्तों,
अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर एक गलती कर देता हूँ जानबूझ के, मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटाता हूँ, और सेमी कॉलन हटाने के बाद इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको कंपाइल किया तो उसने मुझे एरर दिखाया तो अब मैं अपने यहाँ जाऊँगा तो यहाँ देखो दोस्तों अभी भी मेरे पास कोई भी मैसेज के नाम से फाइल नहीं बनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा कि फिर से इस प्रोग्राम पर जाऊँगा, और इस प्रोग्राम पे जाने के बाद मैंने जो गलती की थी उस गलती के लिए मैं वापस उसको वहां पर सेमी कॉलन लगा दूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। लगाने के बाद मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव करूंगा। ठीक है, जैसे सेव करूंगा, सेव करते मेरे बीए की फाइल फिर से बन जाएगी और डॉट सी फाइल के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने इसको कंपाइल कराया, कंपाइल कराते क्या होगा कि वार्निंग एरर बिल्कुल इसने दिखाया मुझे जीरो, यानी कि मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। आप पीछे जाके देखिए कि यहाँ पर मैसेज डॉट ओबीजे फाइल बन गई है, यानी कि मैंने क्या किया कि प्रोग्राम को कंपाइल कराया तो कंपाइल करते ही, यानी हमारे जो लोडर है, लोडर ने क्या किया कि जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल हुआ, कंपाइल होते ही आपके जो फाइल है उस फाइल को ओबीजे कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओबीजे कोड यानी कि बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जैसे इस प्रोग्राम को रन करवाने की कोशिश करूंगा, रन पे जाके जैसे मैं रन पे यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करते मेरा प्रोग्राम एक बार रन हो गया। अब प्रोग्राम रन होते देखिए, आप पीछे की साइड जब हम कोड पे चलेंगे हमारे सोर्स नाम के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक मैसेज डॉट एप्लीकेशन के नाम से भी एक फाइल बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि कब कौन सी फाइल बनती है, यानी कि अब अगर मेरा एग्जीक्यूशन फाइल बन चुकी है तो एग्जीक्यूशन फाइल क्या काम करती है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के काम में आती है। अब मुझे अगर देखना है कि मेरा प्रोग्राम अच्छे से चला या नहीं चला तो मैं विंडो पे जाऊंगा। ठीक है, विंडो पे जाने के बाद मैं यूजर स्क्रीन पे जाऊंगा, यहाँ देखो दोस्तों हेलो टेक्नो गाइज मेरे पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का मेरा लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिखिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा, और मैं काफी इंस्पायर होऊंगा आपके कमेंट से और आपके कोर्स से। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।